ऑल ओवर कंट्री में सेलिब्रेट हो रहा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक, और आप ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डील विद, आपके पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती होंगी. टेल अस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू एकता जी, जो आपने इतने बड़े इवेंट के लिए फॉर अ वीक मुझे पूछा है. ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है. मैं उस दिन पढ़ रही थी तो उसमें भी था कि इंडिया में भी एटलीस्ट 20 में से वन सबको, एक इंसान को मेंटल इशूज़. मेंटल इश्यूज़ के कई कारण हैं, डॉक्टर्स अलग थेरेपी बताते हैं, पर हम जो डील करते हैं, जो मैं डील करती हूँ, मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी डील करती हूँ, अरोमास डील करती हूँ, तो उसमें अलग रेमेडीज़ हैं. अगर आपकी चार्ट में, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, उसमें पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो आपको मेंटल इश्यूज़ होते हैं. और उसमें कई कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे जिसका मून, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, अगर वो चार्ट में कमज़ोर है आपका, उसकी डिग्री कम है, या वो बाकी मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, या गलत हाउस में बैठा है, तो वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं. द मून रिप्रेजेंटेड आर मन, आर सोल, मन को प्रेजेंट करता है, हमारी मेंटल स्टेट को प्रेजेंट करता है. तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. और इसमें एक कॉम्बिनेशन और होता है सुपर नेचुरल, जैसे हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार उसके ऊपर तो ऊपर का है, वहाँ चले जाओ, बालाजी चले जाओ, यहाँ चले जाओ. बहुत से आजकल मॉडर्न सोसाइटी में कहते हैं कुछ नहीं है, दिस इज़ फुलिश, ऐसा कुछ नहीं होता. पर ऐसा होता है जब चंद्रमा और राहु कॉम्बिनेशन बन जाए, या आपके घर में आप बहुत सी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लें, आप वाटर एलिमेंट बढ़ा लें, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेंटल इलनेसेस या मेंटल डिसऑर्डर्स को बिना दवाई खाए इस तरह के थेरेपी से ट्रीट बिल्कुल किया जा सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कई सारे अरोमा ऑयल्स हैं. अगर आप लेवेंडर यूज़ करने लगे, क्योंकि मेंटल इल हेल्थ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, उसके कई सेग्रीगेशन है कि मुझे पजेसिवनेस है, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, उसके लिए अलग ऑयल है. मेरे को बर्डन है, बहुत से लोग कहते हैं यार आई एम ओवर बर्डन, वो हर समय अपनी क्योस में ही लगे रहते हैं, अपनी परेशानियों में, उसके लिए अलग ऑयल है. अरोमाज ऑयल है, प्लांटेशन है, जैसे तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगाइए नॉर्थ ईस्ट में, इट गिव यू अ गुड हेल्थ मेंटली. वी शुड क्लीन आवर नॉर्थ ईस्ट, नॉट पोर्शन. आप जितनी घर में सफाई रखेंगे उतना मेंटल पीस आता है. राइट. एक बात बताइए, एक आपसे आखिरी सवाल, इंडिया में, इंडिया के लोगों की जो मेंटल इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स के प्रति सोच है, उसको कैसे बदला जा सकता है? ये बड़ा अजीब सा सवाल है वैसे तो, पर देखिए उसके लिए जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी सोच बदलती जा रही है और हम मेटलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो ये जो चाह है ना, और वो आदमी को ज़्यादा इल कर रही है. इसके लिए हमें बैक टू वर्क आना पड़ेगा. जो हमारी वैदिक सभ्यता है, योगा है, हमारा रूटीन लाइफ है, उसको अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो हमें मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी. राइट. वेल, मेंटल हेल्थ पर हमें अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. थैंक यू एकता जी, थैंक्स अ लॉट.